एलिलिक हाइड्रोकार्बन का क्लोरीनेशन सल्फ्यूराइल क्लोराइड के द्वारा किया जाता है, यानी कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में SpQ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसका क्लोरीनेशन सल्फ्यूराइल क्लोराइड द्वारा किया जाता है। लेकिन इस रिएक्शन को करने के लिए टेम्परेचर 475 केल्विन होना चाहिए और इनिशिएटर के रूप में बेंजोइल क्लोराइड का होना जरूरी है। तो हम इसे रिएक्शन के द्वारा समझ लिया जाए। कोई एक लेते हैं एलिलिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो और सिंगल बॉन्ड भी हो। ये कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड में दे दिया, इसको कहेंगे एलिलिक हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू सिंगल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। किसके संग रिएक्शन कराना है? SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड के द्वारा। ओके, तो क्या क्या बनेगा? ClCH2 CH डबल बाउंड CH2। ओके, इसका नेम क्या होगा? थ्री क्लोरो प्रोप वन इन, साथ में SO2 भी बनेगा और HCl भी बनेगा। SO2 भी बनेगा और HCl भी बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो CH3 है, ओके, इसका एक हाइड्रोजन क्या होता है? ये CH3 है ना, ये CHHH, इसका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के संग मिल करके HCl बनाता है। ये SO2 बेचारा यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे दो एटम है क्लोरीन का, तो एक एटम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के प्लेस पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन हट करके इसके संग आ जाएगा। और ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते ही हैं। इसको फिर से एक बार देख लिया जाए, सिंपल भाषा में मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं। ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन डबल बॉन्ड CH2। इसका स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आ रहा है। ये S हो गया डबल बाउंड O, ये डबल बाउंड O, ये Cl और ये HCl। ओके, इसमें देखिए क्या होता है, ये जो Cl है यहां पे आ जाएगा। ओके, ये जब बॉन्ड ब्रोकन होगा तो जब बॉन्ड ब्रोकन होगा तो ये जो H है Cl के संग मिल जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा? अब ये जब यहां से H हटा तो यहां क्या बनेगा? H, फिर ये H, लेकिन यहां पे Cl हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड वैसे ही, डबल बॉन्ड वैसे ही। इसी को कहते हैं 3 क्लोरो, 1 2 3, 3 क्लोरो प्रोप 1 2, इस चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप 1 EN, 3 क्लोरोप्रोप 1 EN प्लस SO2 बनेगा। ये SO2 बेचारा अपना अलग हो जाएगा, SO2 और HCl बनेगा, तो ये H और ये Cl, HCl बन जा रहा है। इस तरह से हम लोग इसे कह सकते हैं कि एलाइलिक क्लोरीनेशन, यानी एलिलिक हाइड्रोकार्बन का क्लोरीनेशन करने के लिए सल्फ्यूराइल क्लोराइड की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ लाइट की भी आवश्यकता होती है और इनिशिएटर के रूप में हाइड्रोजन परत, इनिशिएटर के रूप में बेंजोइल परऑक्साइड की आवश्यकता होती है। थैंक यू।